मेजर सुमन, आप खेल पाएंगी? देखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती नहीं है सर, ड्यूटी है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैं ये मैच खेलना चाहती हूँ अपने रेजिमेंट के लिए। माफ कीजिएगा कविता जी, मैं तो बस इतना पूछना चाह रही थी कि सुमन के पैर में इतनी चोट लगी कैसे? मीरा जी, आप माँ की जगह तो चिंता तो होनी है। वो बच्चों ने अपने कमरे के लिए एक नई अलमीरा ऑर्डर की थी, तो पता नहीं उसी का एक कैबिनेट कैसे सुमन के पाँव पर गिर गया। छोटी मोटी खरोच होती तो सुमन हमें बताती ही नहीं, ज्यादा तो नहीं लगी उसे। आप तसल्ली रखिए, उसी वक्त हमने डॉक्टर को बुला लिया था, उन्होंने चेकअप किया, दवा दी और कुछ दिनों के लिए पैर को आराम देने को कहा है। शुक्र है भगवान का। कहाँ है सुमन? अपने कमरे में? मिल लेते हैं उससे। नहीं, वो तो सुबह ही कंटोनमेंट चली गई। इस हालत में भी मैच खेलने चली गई? आज ही था ना उसका मैच? अरे नहीं, मैच कहाँ खेलना है उसे, उसकी पैर की हालत जो इतनी खराब है, और सुबह ही हमने उसको समझा दिया था, लेकिन उसने बोला कि मैच ना सही लेकिन ड्यूटी तो नहीं छोड़ सकती ना। आर्मी की स्पिरिट आपके परिवार में सिर्फ कहते ही नहीं, उसे जीते भी हैं। आप सबसे ही तो सीखा है सुमन ने ड्यूटी की वही स्पिरिट को जीना। बिल्कुल विजय भाई, सब के ऊपर गई है सुमन हमारी, चाहे खुद कितनी भी तकलीफ में क्यों ना, लेकिन ड्यूटी के ऊपर उसके लिए कुछ भी नहीं। इसलिए आज का मैच ना खेल पाना उसके पैर के दर्द से ज्यादा तकलीफ दे रहा होगा हमारी बच्ची को, पर हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। एक हफ्ते से बता रही थी हमें इस मैच के बारे में, आज तो उसके लिए ये मैच ही सबसे बड़ी चीज था, लेकिन देखिए किस्मत को क्या मंजूर है। बीना जी, आप चिंता ना करो, जैसे सुमन आएगी ना मैं वैसे ही आपको खुद फोन करके बताऊंगी, और यहाँ हम हैं उसका ध्यान रखने के लिए, सब ठीक हो जाना है। जी। आप ठीक तो है ना मेजर सुमन? यस सर। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। सर मैंने क्या कहा? नहीं, शी नीड्स यू, मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ, मैं लाता हूँ। श्रवण, तुम जानते हो ना कि मैं कभी भी हार नहीं मानती, पर श्रवण मुझसे नहीं हो पा रहा है। सुमन, जिन हालात में ज्यादातर लोग हार मान के घर बैठ जाते हैं, तुमने लड़ना चूज किया, और जिस शिद्दत के साथ तुम अपनी ड्यूटी कर रही हो ना, ये तुम्हारी जीत है, हार नहीं।
वो सब मैं समझती हूँ श्रवण, पर इस मैच में जहाँ मेरी रेजिमेंट मुझ पर डिपेंड कर रही है, मैं जीत भी नहीं। सुमन, सबसे पहले तो तुम ये हार जीत की बात अपने दिमाग से निकालो। तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ मैच पे होना चाहिए। तुम्हें याद है जब हमें प्यार हुआ था, जब हमने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही थी, क्या तब हमने एक बार भी सोचा था कि हमारी प्यार में हार होगी या जीत? नहीं ना, तब हमने सिर्फ प्यार किया था, एक दूसरे से पागलों की तरह शिद्दत वाला प्यार। और एंड में क्या हुआ, हम जीते ना, तो बस आज भी तुम्हें वही करना है सुमन। जिस शिद्दत से तुमने प्यार किया, उसी शिद्दत के साथ ही मैच खेलो और तुम पक्का जीतोगी। मैं तुम्हारे साथ हूं सुमन, ठीक है? पानी, आप बेटर फील कर रही हैं मेजर सुमन? यस सर। गुड, बेस्ट ऑफ लक। अगले राउंड के लिए दोनों प्रतियोगी कोर्ट पर आ जाएं। साथ मैच समाप्त हुआ। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा दोनों प्रतियोगियों का। सुमन, तो फिर क्या सोचा आगे? देखो, मेरी तरफ से मैंने बिजनेस मॉडल रेडी कर लिया है और फंडिंग का जुगाड़ शिवन भैया ने, तो बस अब वेट कर रहे हैं। वेट किस चीज का? हमारी तरफ से सब रेडी है, बस वेट अब शिवन भैया का कि जैसे ही वो फ्री हो तो हम आगे की बात करते हैं। हाँ, वो भैया आजकल काफी बिजी है। क्यों, काम का ज्यादा प्रेशर हो गया क्या? नहीं, वो उनकी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप स्टार्ट हो गई है ना, तो पहले उनकी तैयारियों में बिजी थे और अभी चैंपियनशिप में बिजी है। तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या? आज भाभी का मैच था, पर उनका लक देखो, उनके मैच के एक दिन पहले ही उनके पैर में चोट आ गई है। अब मैच तो क्या, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। अरे यार, जितना मैं सुमन भाभी को जानता हूँ, वो काफी दुखी होंगी ना। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, डॉक्टर ने उन्हें दवाई वगैरह दे दी है और कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट बोला है। पर आयान, आज मैंने भाभी का चेहरा देखा सुबह, ये मैच उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और इसे मिस करना जैसे उन्हें तोड़ रहा है अंदर से। समझ सकता हूँ। खैर, तुम ध्यान रखो अपना और सुमन भाभी का भी। तुम भी ध्यान रखना। ओके, बाय, लव यू। आई लव यू टू। इधर आ, लविश। लविश किसके साथ चल रहा है? मेरी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड स्नेहा। स्नेहा मतलब लड़की? अब ताई जी, आप टेंशन में मत आ जाना। अब आई लव यू बड़ा कॉमन हो गया है वैसे भी फ्रेंड्स में,
और आजकल लड़का लड़की नहीं सिर्फ दोस्ती देखता है। अच्छा, तू ज्यादा सिखा मत अपनी ताई जी को। हुँ? कमाल कर रहे हैं आजकल के बच्चे, किसी को भी आई लव यू बोल रहे। ला तेरा फोन दे। मेरा फोन क्यों? मतलब आपका फोन कहाँ है? अरे इतनी इंक्वायरी क्यों कर रही है? मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया, लगाती हूँ चार्जिंग पर पहले सुमन को कॉल करके पूछ लूँ उसकी तबीयत के बारे में। ला फोन दे। हाँ हाँ। श्रवण को लगाती। हाँ पुत्र श्रवण, मैं ना सुमन को फोन ट्राई कर रही थी मगर वो उठा ही नहीं रही है। सब ठीक है ना? नमस्ते आंटी, मैं बसी। अच्छा पुत्र आप? हाँ श्रवण का फोन आपके पास होगा। आप श्रवण कहाँ है? आंटी एक्चुअली मेजर सुमन फेंट हो गई थी तो श्रवण उन्हीं के साथ है। हाय रब्बा, फेंट क्या हुआ? अचानक बेहोश कैसे हो गई? मैच में बेहोश हो गई थी आंटी। वो खेल तक तो उनके पैरों पे जोर पड़ रहा था, आई थिंक तो श्रवण उन्हीं के साथ है। अरे जब पैर का इतना बुरा हाल था तो ऐसी हालत में मैच खेलने क्यों दिया? घर पर तो दोनों बोल कर गए थे कि मैच नहीं खेलेंगे, फिर क्या हुआ? आंटी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं श्रवण से कहता हूँ आपको कॉल करेगा। एंड आप आंटी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम सब है मेजर सुमन के साथ, वो ठीक हो जाएंगे। आंटी मैं चलता हूँ, बाय। जब घर पर सबने मना किया था खेलने के लिए फिर मैच खेलने की जरूरत क्या थी? आराम से। कम ऑन मेजर, आई होप मैं चिंता नहीं देख रहा हूं एक इतनी बहादुर ऑफिसर के चेहरे पर। बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है, ओके? कुछ दवाइयां दी हैं, खा लीजिएगा। श्योर, थैंक यू डॉक्टर। मेजर सुमन, आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सौरभ, थैंक यू एवरीवन। अब गेम के टाइम एंकल पे इतना प्रेशर पड़ेगा तो दर्द तो बढ़ेगा ना। दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था कि तुम बेहोश हो गई थी। श्रवण मैं आज के गेम के बारे में पूछ रही हूँ। आई थिंक उसका भी रिजल्ट आ गया होगा, अभी चल के देखते हैं। जा जो भी हो, लेकिन आज जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। बड़ी वो लाइफ है तुम्हारा, ये थैंक्स वगैरह बोल के मेरा रोमांस मत कम करो। मेरी सुनो, व्हाट अ गेम। बहुत गर्व है मुझे कि मैं ऐसे सोल्जर्स की टीम को लीड कर रहा हूं जो मैदान चाहे जंग का हो या फिर खेल का अपनी जान की बाजी लगा देते। मेजर सुमन मल्होत्रा, हालात आसान नहीं थे पर अपनी ड्यूटी के लिए इनका जज्बा, मैं उसे सल्यूट करता हूं। आज जिस सिचुएशन में आपने मैच खेला और सिर्फ खेला ही नहीं बल्कि एक शानदार प्रदर्शन भी दिया तो हम सब के लिए एक मिसाल है। मेजर सुमन मल्होत्रा, आज की इस धमाकेदार शुरुआत के बाद इस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप से उम्मीदें और भी बढ़ गई। आपको अपना बेस्ट देना है लेकिन उससे पहले बारी है आज के मैच के रिजल्ट की।
ये जीत आसान नहीं थी बट वेरी वेल डिजर्व्ड एंड द विनर इज मेजर सुमन मल्होत्रा. Good luck, everybody. बहुत कमाल का खेला मेजर सुमन. Congratulations. आपके साथ खेलना it was an honor for me. Thank you, मेजर श्रेया. श्रवण, इतना भरोसा था ना तुम्हें मुझ पे? और नहीं तो क्या. तुम ना कभी मेरी सुमो से मिलना. एक बार अगर वो कुछ सोच लेना तो उसके बाद वो कुछ भी कर सकती है. और मैं अपनी सुमो के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. और मैं अपने श्रवण के लिए. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.